मऊ जिले के चिरैयाकोट बाजार में एक सरकारी विद्यालय का निर्माण कराया गया, जो निर्माण अभी तक अधूरा है और इसकी बजट पूरा पास भी हो चुका है। और ये विद्यालय 2,75,00,000 में बना था, जिसकी नींव 2016 में रखी गई थी और 2017 में पूरा करना था, लेकिन अभी तक 2023 मार्च महीने तक भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इस विद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज था और इसके ठेकेदार जो इस विद्यालय को बनवाया वो पूरा कारोबार लिए थे और उनको 2,75,00,000 रुपए भुगतान भी किया गया। और इसके बाद भी इनकी भी मांग हो रही है पैसे की, जिसमें उन्होंने 33,00,000 रुपए और सरकारी से मांग कर रहे हैं और यह विद्यालय आज भी अधूरा पड़ा है। यह केवल आवारा पशुओं और कुत्ते जंगली जानवर का आवास बना हुआ है। यह विद्यालय अगर चलना शुरू हो जाए तो इस एरिया के कई गांव के बच्चे इसमें पाठन आसानी से कर सकते हैं और इनके ऊपर प्राइवेट स्कूल की तरह फीसें का बोझ भी नहीं होगा। इस विद्यालय पर अगर सरकार या शासन ध्यान दे तो यह विद्यालय बन भी जाएगा। रिपोर्ट मनोज सिंह। इसको रखा जाएगा और जनता के सहयोग से यह विद्यालय चले, इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम लोग जरूर करेंगे, ये हमारी कोशिश है। तो सर, इसमें जो लिखा हुआ है चार विद्यालय, क्या चारों विद्यालय इस तरह से बंद हैं, जो कि अइलख में लिखा हुआ है, देवरिया बड़ी में लिखा हुआ है, कटियारी में लिखा हुआ है और चिरैयाकोट में लिखा हुआ है, चारों विद्यालय से बंद पड़े हैं? देखिए, मऊ जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज चार हैं, जैसे आपने बताया, उसमें से दो बंद हैं और दो चल रहे हैं। दो कौन कौन से चल रहे हैं? वाला चल रहा है और कटिहारी वाला चल रहा है जी। बाकी बड़ी देवरिया वाला देवरिया बड़ी वाला बंद है जी। और ये चिरैयाकोट वाला तो अर्धनिर्मित है। अर्धनिर्मित है जी। इसमें मतलब अभी तक लागत 33,00,000 रुपए, मतलब जो इसके वो है कार्य शासी अधिकारी हैं, उनको उनके हिसाब से 33,00,000 रुपए इसमें और लगेगा, तब ये स्कूल इस विद्यालय बन के तैयार होगा। तो देखिए, यहाँ पर तकनीकी चीज़ ये है कि वो एक बार कह चुके हैं कि 2,75,00,000 में हम बना के दे देंगे जी। इसका शपथ पत्र है जो आपको हमने दिया है जी, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब वो 33,00,000 मांग रहे हैं। जब 2,75,00,000 उन्होंने मांगा जीएसटी का, 2017 में जीएसटी लागू हुई है और 2018 में वो शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम 2,75,00,000 में मांगेंगे, बना देंगे, वहाँ पर उन्होंने जीएसटी नहीं मांगी जी। अब वो 2023 में आके जीएसटी मांग रहे हैं, इसीलिए शिक्षा विभाग उनको देने से मना कर रहा है। तो सर, वो शपथ पत्र आपका कहाँ पे है, जो कि आप यहाँ पे इसको बताना चाहेंगे? मतलब ये जो निर्माण एजेंसी है, यूपी आरएनएस निर्माण एजेंसी है, जेपीएन सिंह इसके अधिशासी अधियंता हैं, आज भी वही हैं और उन्होंने इस पे लिख के दिया है कि हम 2,75,00,000 में आपको बना के देंगे। इसमें उन्होंने कहीं जीएसटी की बात नहीं की है और जीएसटी 2017 में लागू हुआ है, 2018 में शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम आपको बना के देंगे, लेकिन उसके बावजूद आज वो जीएसटी के का बहाना बनाकर इस विद्यालय को बनाने से मना कर रहे हैं। धन्यवाद। इस विद्यालय को लेकर आपका क्या विचार है? अभी जो अधूरा पड़ा है, इच्छा और उम्मीद के साथ विद्यालय जब आया यहाँ पर, तब हम बनाने के लिए सहयोग किए ठेकेदार साहब, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बना के दे देंगे, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं करा पाए, काम अधूरा है। उसके बाद चले गए, वही बता रहे थे कि हमारी 35,00,000 जीएसटी में पैसा चला गया, अब हम बना कर नहीं दे पाएंगे। अभी शपथ पत्र मिला है, उन्होंने ही दिया है कि मतलब हम 2,75,00,000। शपथ पत्र के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं थी, ग्राम लोग जानकारी नहीं थी, जब ये भाई लोग आए और हम लोगों को बताए तो सभी लोगों को जानकारी हो गई। अब सभी ग्रामवासी हम लोग इन लोगों के साथ हैं, इसकी लड़ाई लड़ेंगे ताकि विद्यालय बन के चले। कब से बन के पड़ा हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है? ये लगभग 18-19 में 18 जब बन गई।